नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण का बच्चों आज आपको 26 पढ़ना है, पत्र लेखन। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ, बार बार एक ही बात याद दिला रही हूँ कि आपको इस कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात, अपने माता पिता के द्वारा जो फीस रह गई है वो अपनी फीस समय से ही विद्यालय में जमा भी करानी है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 26, पत्र लेखन। पत्र लेखन में बच्चों कुछ नियम होते हैं, कुछ पत्रों के प्रकार होते हैं, पत्रों को लिखने के कुछ तरीके होते हैं, उन सबको हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पत्र संदेश भेजने तथा प्राप्त करने का सबसे सस्ता और प्राचीन माध्यम है। पत्र क्या है? संदेश भेजने का सबसे और प्राप्त करने का सबसे सस्ता और बहुत पुराना ही ये तरीका है। जब रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र आदि नहीं थे, तब पत्र ही विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन था। पहले संदेश वाहक या दूत पत्र को ले जाते और तथा पहुँचाते थे, परंतु अब यह कार्य डाकघर तथा उनके कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जाता है। पहले क्या होता था कि संदेश वाहक लोग होते थे जो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करते थे, परंतु अब डाकघर हो गए हैं और उनके कर्मचारी इस कार्य को पूरा करते हैं। पत्र संदेश भेजने का एक लिखित एवं सशक्त माध्यम है। पत्र क्या है? पत्र संदेश भेजने का, अपने विचारों को भेजने का एक ऐसा माध्यम है जो स्थायी है। पत्र लिखकर हम अपने विचारों को संबंधियों एवं मित्रों तक पहुंचा देते हैं। अब आता है बच्चों पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में अनौपचारिक पत्र में घरेलू पत्र, पारिवारिक या निजी आते हैं। औपचारिक पत्र में तीन प्रकार के पत्र आते हैं, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र। नंबर का अधिकारियों या कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्र। इस कक्षा में हम घरेलू पत्र, आवेदन पत्र एवं व्यावसायिक पत्रों के विषय में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह से घरेलू पत्र होते हैं, आवेदन पत्र कैसे होते हैं, व्यावसायिक पत्र कैसे होते हैं, तीनों प्रकार के पत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र, यानी जो घरेलू पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। माता पिता, भाई बहन, संबंधियों और मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र घरेलू पत्र कहलाते हैं या अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। घरेलू पत्र लेखन के प्रारूप के लिए आवश्यक बातें हैं। जो घरेलू पत्र होते हैं उनके लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, जैसे काम है पत्र के बाईं ओर अपना पता, फ़ोन नंबर तथा दिनांक लिखा जाता है। दूसरी बात है, इसके नीचे बाईं ओर ही पत्र प्राप्तकर्ता, माता पिता, मित्र आदि को संबोधित किया जाता है। तीसरा है, इसके बाद मध्य भाग में वह संदेश, अपना अथवा कथन लिखा जाता है जिस कारण पत्र लिखा जा रहा है, यह पत्र का मुख्य भाग होता है। तो इस तरह से हमें पत्र के नियम होते हैं, पहला अपना पता, फ़ोन नंबर और दिनांक, दूसरा जिसको संबोधित कर रहे हैं उसके लिए संबोधन, और तीसरा मध्य भाग जो संदेश हम भेज रहे हैं वो लिखना। इसके बाद अंत में होता है बच्चों, अंत में अभिवादन के बाद नीचे बाईं ओर यथास्थर आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी मित्र या आपका मित्र लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और अंत में अपना आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपका भाई या आपका पिता, तो इस तरह से लिख करके अपने हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अब बच्चों, ये पहला पत्र है, मित्र को जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र। जब हम अपने मित्र को जन्मदिन पत्र लिखते हैं तो वो किस तरह का पत्र होता है, ये बच्चों आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पत्र आपको अपनी नोटबुक में करना है। बुक में से आप अपनी नोटबुक में करेंगे, कौन सा पत्र है? मित्र को जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र। तो इसमें पहले हम लिखेंगे पता, 315 प्रीति विहार, नई दिल्ली। अब यही पता जैसा का तैसा आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दिनांक, प्रिय मित्र अवनीश नमस्कार। दिनांक बच्चों आप आगे पीछे कर सकते हैं। दिनांक जिस दिनांक में, जैसे मान लीजिए आज हम 18 में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ 18/7/2020 भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रिय मित्र अवनीश नमस्कार, तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बार भी मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सभी मित्र और सगे संबंधी उपस्थित रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रीति भोज का प्रबंध किया गया है। मेरा निवेदन है कि 20 जनवरी
को साय 5 बजे तक तुम अवश्य आ जाना, तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। घर में मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र अनिल। तो इस तरह से हम पत्र को समाप्त कर देते हैं। तो बच्चों, ये पत्र आपको अपनी नोटबुक में करना है, ध्यान रखिएगा कि ये पत्र आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब पढ़ते हैं बच्चों हम औपचारिक पत्र। अगला है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में, इसको आवेदन पत्र कहते हैं, इसमें हमें करना है किसी अधिकारी को लिखे गए पत्र जिसमें हम उनसे अपने लिए औपचारिक प्रार्थना पत्र करते हैं, आवेदन पत्र कहलाते हैं। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के प्रारूप के लिए आवश्यक बातें, जो ये पत्र होते हैं इनके लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं, उन्हें जान लेते हैं। इसमें पहला आता है पत्र के बाईं ओर विनम्रता सूचक संबोधन, जैसे सेवा में, प्रतिष्ठा में के बाद नीचे संबंधित अधिकारी के पद और स्थान का नाम दिया जाता है। दूसरी बात आती है इसके नीचे पत्र के मुख्य विषय के बारे में संकेत दिया जाता है। तीसरी बात आती है इसके बाद नीचे बाईं ओर अधिकारी को संबोधन सूचक शब्द, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, लिखकर दूसरी पंक्ति से अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाता है और संबंधित विषय के बारे में प्रार्थना की जाती है। अगला पॉइंट आता है अंत में पत्र के बाईं ओर संबंध सूचक शब्द, उसके नीचे अपना पता और उसके नीचे पता और दिनांक लिखा जाता है। इसमें उदाहरण के लिए ये पत्र है, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है बच्चों। ये पत्र है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। क्या आप अपनी नोटबुक करेंगे? शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस विद्यालय के स्थान पर आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। अपने विद्यालय का नाम आप यहाँ डालेंगे MPS Grace Convent Senior Secondary School गणेशरा मथुरा। तो बच्चों, इस तरह से आप अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ डाल देंगे। उसके बाद फिर विषय लिखेंगे, विषय है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र और फिर डालेंगे महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं एक निजी विद्यालय में चौकीदार श्री ललित मोहन का पुत्री हूँ, ललित मोहन की पुत्री हूँ। मेरे पिता की मासिक आय ₹4,000 है। इतनी आय में 3 भाई बहन के साथ परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से हो पाता है। ऐसी दशा में मैं विद्यालय का शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि शुल्क मुक्ति की मेरी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहित करें। मैं इस कृपा के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या प्रतिभा मिश्रा। कक्षा 7 अनुक्रमांक ये और ये दिनांक। इस तरह से बच्चों आपको ये पत्र यहाँ तक पूरा करना है। एक बार विषय को फिर से पढ़ लीजिए, मैं एक बार इसको फिर से दोहरा देती हूँ। शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र या आपको नोटबुक में करना है। सेवा में प्राचार्य, MPSM ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गणेशा मथुरा। विषय डालेंगे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, उसके बाद महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं एक निजी विद्यालय के चौकीदार श्री ललित मोहन की पुत्री हूँ। मेरे पिता की मासिक आय ₹4,000 है। इतनी आय में 3 भाई बहन के साथ परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से हो पाता है। ऐसी दशा में मैं विद्यालय का शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि शुल्क मुक्ति की मेरी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहित करें। मैं इस कृपा के लिए आपकी सदा आभारी रहूँगी। यहाँ आपका के स्थान पर आपकी आ जाएगी। आपकी सदा आभारी रहूँगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या प्रतिभा मिश्रा। कक्षा 7 अनुक्रमांक और दिनांक जो आज की डेट है, तो हम आज की डेट यहाँ पर डालेंगे 18/7/2020। तो बच्चों, इस तरह से हमें ये हम दो पत्र मैंने आज आपको कराए हैं। ये दोनों ही पत्र आपको अपनी नोटों में पूरे करने हैं। पहला है मित्र को जन्मदिन के लिए निमंत्रण पत्र, ये अनौपचारिक पत्र है।
और दूसरा है शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, ये औपचारिक पत्र है, ये दूसरा पत्र है। तो बच्चों ये दोनों ही पत्र आपको अपने नोटबुक में करने हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,